ये एक एक्चुअली सस्पेंस सब्जेक्ट है, तो इसमें ये कह पाना तो मतलब संभव नहीं है कि इसमें फरार कौन है, लेकिन ये कहानी तमाम टर्न एंड ट्विस्ट के साथ में आगे बढ़ती है और पब्लिक ये ढूंढने की कोशिश करती है कि इसमें फरार कौन है और किसने ये सब गेम किया है। यही सब्जेक्ट, यही इस फिल्म का सब्जेक्ट है और USP है। जब एक नए डायरेक्टर की फिल्म लॉन्च होती है, रिलीज़ होती है, तो बहुत लोगों के दिल की धड़कन उसमें अटकी होती है। इसमें फिल्म में न्यू एक्टर्स हैं, न्यू हीरोइन है, न्यू म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सो आई थिंक इतने लोगों की दुआएं हैं इस फिल्म में, तो आई एम वेरी श्योर, और उसमें हम भी अपनी दुआएं ऐड करते हैं कि आई विश देम ऑल द सक्सेस कि फिल्म अच्छी चले। उसमें बहुत सारे लोग फरार हैं, मैं अभी बताएंगे तो पूरा सस्पेंस चला जाएगा। ये मूवी ही बेस्ड ऑन द की लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जाके खुलता है तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, इट्स अ सस्पेंस स्टोरी। फरार की म्यूजिक आप अगर सुनेंगे तो आजकल की ही म्यूजिक है, लेकिन हमने जो मेलोडी का भी ध्यान रखा है और बराबर वेस्टर्नाइज है और आजकल चलने लायक थिरकने लायक म्यूजिक है। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, आपने जो टाइटल सॉन्ग सुना होगा बहुत ही कैची है। सब लोगों ने इस फिल्म में मिलकर बड़ी मेहनत और लगन और प्यार और एक खुलूस से काम किया है। फिल्म के म्यूजिक जो है ना, वाकई लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि इसकी हमें उम्मीद नहीं थी, बट फिल्म का म्यूजिक बहुत पसंद किया जा रहा है और ये बात तो भी रिलीज हो चुका है म्यूजिक आज की डेट में, तो ये बात साबित हो जाएगी। फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत फास्ट पेस्ड है और संतोष जी ने बहुत मेहनत की है। मुझे यकीन है कि इनकी मेहनत रंग लाएगी और इनकी मेहनत का फल इन्हें ज़रूर मिलेगा। प्रोमो से लग रहा है कि बहुत ग्लैमर है, सस्पेंस है और अलग अलग टाइप की इसमें थ्रिल्स होने वाली हैं। इट्स अ क्राइम थ्रिलर जहाँ तक मुझे कहानी समझ आई है, तो लोगों को कुर्सी के एज पे बिठा के रखेगा और लोग इन्जॉय करेंगे मुझे उम्मीद है।